टी20 वर्ल्ड कप 2024 में आज के दिन कई सारे सुपर हिट मैच खेले गए थे, जहां पे आज दक्षिण अफ्रीका, नेपाल, इसके साथ ही न्यूजीलैंड, युगांडा और भी कई सारी टीमों के बीच में मैच हुआ था। और इन सभी मैचों के खत्म होते ही टी20 वर्ल्ड कप के पॉइंट टेबल में काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिला। तो इस वीडियो में हम आपको टी20 वर्ल्ड कप 2024 का नया पॉइंट टेबल बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी 8 टीमें सुपर 8 में क्वालिफाई कर चुकी है। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होगा, इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक पूरा बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो आइए बात करते हैं वन बाय वन सभी ग्रुप्स के पॉइंट टेबल के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप लोग सुपर 8 के मैचों का शेड्यूल डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हम अपने टेलीग्राम चैनल पे सुपर 8 के मैचों का शेड्यूल डाल चुके हैं, तो फटाफट से टेलीग्राम पे फॉलो कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए बात करते हैं नए पॉइंट टेबल के बारे में। तो सबसे पहले बता दे कि आज न्यूजीलैंड ने युगांडा को हरा दिया और इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने क्लोज मैच में नेपाल को सिर्फ 1 रन से हराया। और इन सभी मैचों के खत्म होते ही सभी ग्रुप्स का पॉइंट टेबल सामने आ गया। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग ग्रुप ए के पॉइंट टेबल के साथ। तो ग्रुप ए के पॉइंट टेबल में पांचवे पोजीशन पे आयरलैंड है, जिसने 3 में से 1 भी मैच नहीं जीता और 2 मैच में हार मिला, इनका 1 मैच रद्द हुआ। तो 1 अंकों के साथ आयरलैंड सबसे नीचे है और ये टीम सुपर 8 से बाहर हो गई। इसके बाद चौथे पायदान पे कनाडा है, जिसके 3 मैच में 1 जीत और 2 हार के चलते 2 अंक है और कनाडा भी सुपर 8 के रेस से ऑफिशियली बाहर हो चुकी है। इसके बाद तीसरे पोजीशन पे बाबर आजम की टीम पाकिस्तान है और पाकिस्तान ने अभी तक टोटल 3 मैच खेले, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 1 मैच में ही पाकिस्तान को जीत मिला और 2 मैचों में पाकिस्तान की टीम को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो अभी पाकिस्तान की टीम 3 में से 1 मैच जीतने और 2 मैच हारने के चलते 2 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में थर्ड पे है और पाकिस्तान की टीम का नेट रन रेट +0.191 है और पाकिस्तान की टीम सुपर 8 के रेस से ऑफिशियली बाहर हो गई। यानी कि अब पाकिस्तान का इस साल टी20 वर्ल्ड कप का कारवा पूरी तरीके से खत्म हो गया। इसके बाद पॉइंट टेबल में दूसरे पायदान पे यूएसए की टीम है और यूएसए ने अभी तक अपने 4 मैच कंप्लीट कर लिए, जिसमें से 2 मैच में यूएसए को जीत मिला, 1 मैच में इनको हार मिला और 1 मैच इनका बारिश के वजह से रद्द हुआ। तो 5 अंकों के साथ यूएसए सेकेंड पे है और यूएसए का नेट रन रेट +0.127 और यूएसए की टीम ऑफिशियली सुपर 8 में चली गई, क्योंकि इनके 5 अंक कंप्लीट हो गए। तो यूएसए अब सुपर 8 में जा चुकी है और ये यूएसए क्रिकेट फैंस के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है। वहीं ग्रुप ए के पॉइंट टेबल में सबसे टॉप पे भारतीय टीम है, जिसने अभी तक अपने 3 के 3 मैच खेले और 3 मैचों में इनको बैक टू बैक जीत मिला। तो 6 अंकों के साथ भारत ग्रुप ए में सबसे टॉप पे और भारत का नेट रन रेट +1.137 है और टीम इंडिया सुपर 8 में ऑफिशियली क्वालिफाई कर चुकी है। तो यह था ग्रुप ए का पॉइंट टेबल और भारत के सुपर 8 के मैच अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों के खिलाफ होने वाला है। अब बात करेंगे ग्रुप बी के पॉइंट टेबल के बारे में। तो ग्रुप बी के पॉइंट टेबल में पांचवें पोजीशन पे ओमान है, जो कि 4 में से 4 मैच हारा और ये टीम सुपर 8 से बाहर है। चौथे पायदान पे नामीबिया है, जो कि 3 में से 1 मैच जीता, 2 मैच हारा और इनके 2 अंक है और नामीबिया की टीम भी सुपर 8 से बाहर है। इसके बाद तीसरे पायदान पे इंग्लैंड है, जिसने 3 में से 1 मैच जीता, 1 मैच हारा और 1 मैच इनका रद्द हो गया था। तो 3 अंकों के साथ इंग्लैंड थर्ड पे है और इंग्लैंड का नेट रन रेट +3.081 है और इंग्लैंड को सुपर 8 में जाने के लिए अपने अंतिम मैच में किसी भी कंडीशन में जीतना पड़ेगा और प्रे करना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम स्कॉटलैंड को हरा दे, तभी जाकर के इंग्लैंड सुपर 8 में जा पाएगी। इसके बाद सेकेंड पे स्कॉटलैंड है, जिसके 3 मैच में 2 जीत और 1 रद्द के चलते 5 अंक है और स्कॉटलैंड का नेट रन रेट +2.164 है और स्कॉटलैंड सुपर 8 में जाने की प्रबल दावेदार है। वही ग्रुप बी में टॉप पे ऑस्ट्रेलिया है, जिसके 3 मैच में 3 जीत के चलते 6 अंक है और 6 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 में जा चुका है। तो यह था ग्रुप बी का पॉइंट टेबल। अब बात करेंगे ग्रुप सी के पॉइंट टेबल के बारे में। तो ग्रुप सी में पांचवें पायदान पे पापुआ न्यूगिनिया है, जिसके 3 मैच में 0 अंक है। चौथे पायदान पे
युगांडा है जिसके 4 मैच में 1 जीत और 3 हार के चलते 2 अंक है। युगांडा सुपर 8 से बाहर है। इसके बाद थर्ड पे विनर टीम न्यूजीलैंड है जो कि 3 में से 1 मैच जीती, 2 मैच हारी, इनके 2 अंक, और न्यूजीलैंड भी ऑफिशियली सुपर 8 से बाहर है। इसके बाद सेकेंड पे वेस्ट इंडीज है जो कि 3 में से 3 मैच जीता, 6 अंक के साथ ये टीम सेकेंड पे, और वेस्ट इंडीज ऑफिशियली सुपर 8 में जा चुकी है। वहीं ग्रुप सी में सबसे टॉप पे अफगानिस्तान है जो कि 3 में से 3 मैच जीता, इनके 6 अंक है, और इनका नेट रन रेट +4.230 है, और अफगानिस्तान ऑफिशियली सुपर 8 में चला गया। वहीं ग्रुप डी के पॉइंट टेबल के बारे में बात करें तो टॉप पे अफ्रीका है जिसके 4 मैच में 8 अंक है, और अफ्रीका नेपाल को हराते ही ऑफिशियली सुपर 8 में चली गई। सेकेंड पे बांग्लादेश है जिसके 3 मैच में 2 जीत और 1 हार के चलते 4 अंक है, और बांग्लादेश सुपर 8 में जाने की प्रबल दावेदार है। वहीं तीसरे पायदान पे नीदरलैंड है जिसके 3 मैच में 1 जीत और 2 हार के चलते 2 अंक है, और नीदरलैंड के पास सुपर 8 में जाने का थोड़ा बहुत चांस है। इसके बाद चौथे पायदान पे नेपाल है जिसके 3 मैच में 2 हार और 1 रद्द के चलते 1 अंक है, और नेपाल सुपर 8 से बाहर है। वहीं ग्रुप डी में सबसे नीचे श्रीलंका है जिसके 3 मैच में 2 हार और 1 ड्रॉ के चलते 1 अंक है, और श्रीलंका सुपर 8 से बाहर है। तो ये था सभी ग्रुप्स का पॉइंट टेबल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।